अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी पॉपुलर फिक्शन की सीरीज की चौथी वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यही डिस्कस किया था कि हमने प्लॉट को ओवरऑल देखा था और हमने लास्ट में ये वादा किया था कि हम कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम कैरेक्टर्स को लेकर हाजिर हुए आपके साथ। हम बेसिकली फोकस करेंगे आज के कैरेक्टर्स की डेथ कौन सी सीक्वेंस में होती है और कौन से कॉजेज होते हैं उनकी डेथ के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जितने भी कैरेक्टर थे वो एक आइलैंड पे फंस चुके हैं और उनको उस आइलैंड से बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो वहां पर जो कि है इन सब कैरेक्टर्स की डेथ होती है एक पैटर्न के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये नर्सरी रैम है इसमें, जो कि हर कैरेक्टर के रूम में तकरीबन डिस्प्ले है। और इसी नर्सरी रैम को जो कि है अगर आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आप ये कैरेक्टर्स के जो ट्रेड्स है उनको भी थोड़ा सा देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके ट्रेड्स और जो नर्सरी रैम है उनकी जो उसमें कॉज डेथ के कॉजेज बताए गए हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं। सबसे पहले हमारे पास डेथ होती है टोनी मास्टन की। टोनी मास्टन जो कि है ये एक मेन कैरेक्टर है और इसका जो कन्फेशन होता है, इसका कोई कन्फेशन नहीं होता, ये कन्फेशन लेस जो कि इसकी डेथ हो जाती है। और ये वो कैरेक्टर होता है जो कि फियरलेस होता है। जब ग्रामोफोन पे हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें वो डिनर के बाद आती हैं, तो ये वाहिद वो बंदा था जो कह रहा था कि हमें साइलेंट पे रुकना चाहिए और हमें मालूम करना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन ये जो कि है पॉइजन जो विस्की है, जो ये विस्की का बहुत शौकीन था, तो जो ग्लास थी उसमें साइनाइड की पिल्स मिलाई गई थी। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग जो कि वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मे भी साइनाइड की पिल्स जो कि है इसके लिए मिलाई गई हो, या जो कि है इसने खुद को एक सुसाइड इसने शायद सुसाइड किया होगा। लेकिन ये जो क्लेम है ये इतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरी हमारे पास मिसेज रॉजर्स जो होती है उसकी डेथ होती है, और इसके इनकी डेथ इस तरह होती है कि इनको जो पिल्स दी जाती है और स्लीपिंग के लिए उसकी वजह से इनकी डेथ कॉज हो जाती है। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि एक नेचुरल डेथ है, लेकिन असल में जो कि है इनको भी उस मर्डर ने जो कि है ये पिल्स दी होती है साइनाइड की। तीसरा हमारे पास जनरल मैकार्थर है। जनरल मैकार्थर के बारे में जो कि ये मशहूर था कि इनकी बीवी के साथ जो कि है एक सोल्जर था उनका अफेयर था, और जिसकी वजह से इन्होंने उस सोल्जर को वर्ल्ड वॉर वन में एक ऐसी फील्ड में भेज दिया जहाँ से उसका वापस आना नामुमकिन था। कोई मौजा ही होकर वो वापस आ सकता था, लेकिन वो वहाँ पे मर गया। तो जनरल मैकार्थर जो कि है इसके जो एक क्राइम था वो यही था, और इसको जो कि किसी हैवी चीज़ की मदद से इसको मारा गया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास थॉमस रॉजर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनको या मिस्टर रॉजर हम इसको कहते हैं, मिस्टर रॉजर को जो कि है सर पे इसके सर पे कुल्हाड़ी मारी गई थी। हमारे पास फिर एमिली ब्रेंड है, इसको लीथल इंजेक्शन दिया गया था, और जो नर्सरी रैम है वहाँ पे हमारे पास बम्बल बी का जिक्र आता है, तो इसके कमरे में बम्बल बी को भी छोड़ा गया था। हमारे पास वारग्रेव है, जस्टिस वारग्रेव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि जो जितना भी हमारे पास ये नॉवल है ये इसी के सेंटर मतलब इसके ही अराउंड बिल्ड होता हुआ नजर आता है। इनको बचपन से जस्टिस का शौक था, ये पहले जो कि अपने बचपन में जानवरों को मारते थे, फिर इनको ये बड़े जब हो गए तो इनको जो इनोसेंट लोग थे वो जब मर जाते थे तो इनको जस्टिस का बहुत शौक होता था, और उनके जो क्रिमिनल्स होते थे उनको ये सजा दिलाने की कोशिश करते थे। हमारे पास मिस्टर ब्लोर है, तो मिस्टर ब्लोर पर जो कि मार्बल क्लॉक गिराई गई थी उनके सर पर, उनको क्रश किया गया था उसकी मदद से। फिर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग है, तो डॉक्टर आर्मस्ट्रांग जो कि इनकी जो वजह मौत है वो हमें ये बताई जाती है कि ये डूब कर वहाँ पे जो बीच था उसके किनारे ये मिले थे, तो यही बजाहिर लगता है कि ये जो कि डूब कर मर गए। फिर लॉम्बार्ड है, तो लास्ट में जो हमारे पास दो कैरेक्टर्स रहते हैं वो हमारे पास लॉम्बार्ड होते हैं और वेरा होते हैं। क्योंकि लॉम्बार्ड के पास जो कि पिस्टल होती है, तो वेरा किसी ना किसी तरीके से उससे ये पिस्टल ले लेती है और इसको मार देती है। वेरा यही कंसिडर करती है कि असल मर्डर ये है, लेकिन जब वेरा जो कि है उस मैंशन में वापस आती है और वहाँ पर अपने लिए अपने कमरे में देखती है कि वहाँ पर जो भी सेटअप किया गया था उसकी डेथ के लिए
तो वो वहाँ पे जो कि खुद को हैंग कर लेती हैं। अब इतने जितने ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनकी डेप्थ जो कि वो हमारे पास जो नर्सरी राइम है जो इसमें 10 लिटिल सोल्जर्स के बारे में इनके पैटर्न को देखते हुए ये बहुत मैच करती हैं। मतलब वहाँ पे जो लिटिल सोल्जर्स हैं उनकी डेथ के पैटर्न जैसे हैं एग्जैक्टली वही पैटर्न जो कि हमारे पास इसमें रिपीट किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो के हैं एक एक करेक्टर को भी डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और आगे जाकर हम जो के हैं टीम्स